अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के ब्लॉग यानी कि बच्ची खान। ये जो है ना, ये है हमारी शरीफा। खूब जो है ना, बड़ी मजे की निकली हुई है यार। ये हमारी है शरीफा, जो पापा के पास होती है। तो पापा जो है वो रात को चले गए हैं भावलपुर। की जो शरीफा बाइक है वो मेरे पास है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने। जी मैं इधर पहुंच गया हूँ अल रिजवान पराठा एक्सपर्ट्स, जो इछरे में मौजूद हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराने भी हैं और इनके पास हर किस्म का जो पराठा होता है ना वो मौजूद होता है। और ये समझ लें कि इछरे में एक ही, बल्कि पूरे लाहौर में एक ही ब्रांच है इनकी। वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हर किस्म का पराठा, जैसे चिकन हो गया, आलू हो गए, सारे पराठे जो होते हैं वो इनके पास मौजूद होते हैं। असली पेशावरी चप्पली कबाब, मैंने लिए 5 पराठे। पैसे काटे जी, चले जी चलते हैं। तो वो हमारी जो शरीफ है वो तो लॉक है, इसको लॉक खोलते हैं। अब चलते हैं, खुल गया, चलें जी। पराठे तो ले लिए मैंने, यहाँ से लेने हैं चने, क्योंकि चनों के बगैर जो है ना वो हमारा नाश्ता हो ही सकता। लाहौरियों का स्पेशली जो है ना वो चने तो लेने ही लेने हैं नाश्ते में, चनों के बगैर नाश्ता नहीं हो सकता। अभी सीधी सी बात है, भैया इसमें शोरबा भी डाल दो। पराठे भी ले लिए, चने भी ले लिए, बस जाके लेनी है दही। अच्छा यार, मैंने एक चीज़ नोट किया है कि ना लाहौर में ना वाकई डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अभी उद शरीफ में भी 2-3 दिन, बल्कि 3-4 दिन वहाँ जैसे मैंने बाइक्स चलाई हैं, तो वहाँ पे मतलब डस्ट होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि मतलब जितनी यहाँ पर होती है। मैं यहाँ पर सफ़र वगैरह जैसे आता जाता रहता हूँ लाहौर में, तो मेरी जो अपर है ना उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी हो जाती है। वही मैंने अपर जब वहाँ पर पहन के बाइक चलाई है तो उतनी मट्टी नहीं होती जितनी लाहौर में, क्योंकि वहाँ पे ये है कि ग्रीनरी ज़्यादा होती है, फसलें वगैरह होती हैं, माहौल थोड़ा अच्छा साफ़ सुथरा होता है वहाँ पे। तो ये है कि वहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मतलब इतना नहीं होगा, लेकिन मैं वहाँ से होकर आया ना तो वाकई में वहाँ पे जो माहौल है ना वो काफ़ी ज़्यादा साफ है। तो अभी यहाँ से लेनी है दही, क्योंकि दही जो है वो भी नाश्ते में मामा ने कहा था, मुझे अभी अभी याद आया। तो अब यहाँ से लेते हैं दही, बस उसके बाद घर ही जाते हैं। वो भी सारा जो है वो नाश्ता ले लिया, चने भी ले लिए, दही भी ले लिया और पराठे भी ले लिए। अब बस मैं जा रहा हूँ घर, बल्कि घर की गली में ही हूँ, सामने आगे घर। अब जी हसीना को, हसीना नहीं सॉरी, ये क्या नाम है, शरीफा को, उसको कराते हैं जी अंदर। तो जी अभी मामा के साथ आया हूँ, यहाँ पे जो है ब्लैंकेट जो है ना ड्राई क्लीन करवाने हैं। तो अभी जो है वो अंकल एंट्री कर रहे हैं कि भाई ये परसों मिलेंगे। तो जी अभी मैं इधर आया हूँ चप्पल लेने के लिए, मेरे पास कोई चप्पल नहीं थी, क्योंकि मैं उधर भावलपुर होता ना तो वहाँ पे शूज़ या जॉगर्स पहने हुए होते हैं। मेरे पास चप्पल नहीं थी, क्योंकि रात को या शाम को या दोपहर टाइम भी मैं अगर घर आता हूँ ना तो फिर मुझे ऐवें कोई मट्टी सारी होती है साथ साथ। तो अभी मुझे ये पसंद आई है, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ये कैसी अच्छी लग रही है। नहीं खान साहब दे मुझे अब। तो जी चप्पल जो है वो हमने ले ली है, तो हमारी जो शरीफ है अभी मामा के साथ में एक कम्बल दे कर आया हूँ। अभी जो 2 कम्बल हैं वो देने, एक ये वाला ठीक है, और एक जो ये सोनू भाई मेरे साथ जा रहे हैं। तो सोनू भाई के मदरसे का टाइम भी हो रहा है, तो हमने पहले कहा है कि हम ये दे आए। ओ ध्यान यार, रुको तो सही, सोनू भाई क्या हो गया यार, एक आगे रख दिया और एक पीछे रख दिया जी। तो जी हम पहुंच गए यहाँ पे, हम देते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, एक पहले दे कर गए हैं। अभी एक पहले भी दे गए हैं ना, वो रेड वाला इसी के साथ ही। 1000 रुपये के जी 2 कंबल हुए। तो जी मैं तो आ गया था लाहौर, तो फिर मैंने भी पापा से ना वीडियोस मंगवाई हैं कि ना घर की क्या सूरत हाल है। तो पापा ने मुझे काफ़ी सारी वीडियोस भेजी हैं, तो घर की जो न्यू अपडेट है ना वो कुछ ये है कि एक तो दीवार ही बन रही थी और दूसरा जो है ना बजरी जो है ना वो भी हमने मंगवा दी, क्योंकि बीम जब डालते हैं ना घर का तो ये उसमें काम आती है बजरी, जो काफ़ी हमने पूरा ट्रैक मंगवाया है। तो बाकी जो दीवारें जो है ना इसकी, जो वो ये तो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी कि दीवारें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, बस आगे वाली जो दीवार थी ना वो रहती थी और दूसरा वॉशरूम वाली थोड़ी सी रहती थी। बाकी ये देखें आगे जो है ना वॉशरूम वाला थोड़ा सा रहता है, बाकी जो है ये आगे वाली दीवार हो रही है। अब ये जो आगे वाली दीवार है ना इस पर काम चल रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे ही रखने हैं, क्योंकि भराई वगैरह का ना काम इस पर होगा। तो जो वो आता है ना ट्राली तो उससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है पीछे तक जो है ना वो सामान वगैरह डालने के लिए। तो जो अभी साइड वाली जो गैलरी वाली दीवार रहती थी वो भी पूरी हो चुकी है और सामने से दीवार इतनी हुई है। तो जी अभी हम फैमिली के साथ आए हैं ज़रा बाहर लिबर्टी में, यहाँ पे हमने मारा मूड था कि अभी वीकेंड है, सैटरडे है, तो हमने क्या कुछ ना कुछ यहाँ पे खाते हैं पीते हैं। तो अभी यहाँ पे एक हैं भाई ने बताया कि यहाँ से कुछ ले रहे हैं हम शाश्रिक।
जी हमने जो है दो शाशरी करवाए हैं और हमने कुछ जो है वो ड्रम स्टिक्स करवाए हैं, तो वो यहाँ पीछे जो है यहाँ पे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है संडे, कल व्लॉग जो मेरा छोटा सा बना था तो मैंने आज व्लॉग नहीं डाला, तो आज हम और भी बनाएंगे व्लॉग साथ साथ, इसको भी अटैच करके कल जो है वो आपको मतलब आप जो देख रहे हैं ये व्लॉग है। तो अभी हम जा रहे हैं जरा बाहर, हमने थोड़ी सब्जी लेनी है, बल्कि नहीं सब्जी क्या लेना सुन तो मेरे साथ बिरयानी का सामान लेना, बिरयानी आज हमारे घर में बिरयानी पकेगी, चिकन वगैरह लेना है। चिकन लेना है, क्या लेना, टमाटर लीमू जो भी उसमें बिरयानी में सामान डालता है तो वो लेना है। और शरीफा पे जाएंगे, शरीफा क्योंकि पापा जो है वो अभी तक नहीं आए, वो अभी भावलपुर ही है, वो आज रात को वहाँ से रवाना होंगे तो कल जो है उस सुबह आप पहुँच जाएंगे, तो शरीफा जो है फिर कल उनके पास होगी। मैं कल या परसों मैं वापस भावलपुर चला जाऊँगा, वहाँ जो घर बंद रहा है तो वो भी हम आपको साथ साथ अपडेट मिलती रहेगी। अभी ताहिन भाई की ना असल में बर्थडे है कल, तो हम उसके लिए स्पेशल यहाँ पर आएँगे, उनके साथ हम इंजॉय करेंगे थोड़ा सा। चले सर चले, क्या हो गया, चिकन ले लिया, चिकन लेने के बाद हम लेने आए हैं सब्जी, यहाँ से सब्जी लेंगे, क्या क्या लेना है यार सुनिए, यहाँ से टमाटर और लीमू बाकी सामान है पूरा सही लेना है यार, सही लेंगे यार, वैसे मुझे पता नहीं चलता लेकिन देखते हैं। सोने ने मिट्टी लगा दी यार, मिट्टी लगा दी आपने यार, साफ साफ डालना यार, नहीं यार खराब है थोड़ी देर, और लीमू कर लीमू लेने और कुछ बस। और ये अभी जो है फैमिली वालों ने यानी कि मामा ने और सिस्टर ने जाना है मार्केट, तो उन्होंने कहा जरा गाड़ी निकालो और हमें साथ लेके चलो, तो अभी मैं गाड़ी यहाँ से निकालता हूँ, गैराज में खड़ी है गाड़ी, सोनू भाई को उन्होंने पीछे भेजा है कि जी दरवाजा खोले, तो हम यहाँ से जो है गाड़ी निकालते हैं, सबसे पहले गियर चेक कर देना चाहिए यार, करते हैं जी हम रिवर्स, ऐसा ऐसा ज़रा करनी पड़ती है हमें, मेरा पीछे गली है यहाँ से भी बचाना पड़ता है भैया हमें, पूरा पूरा सिस्टम क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है हमारे पास, तो हमें ध्यान से ज़रा निकालनी पड़ती है, यहाँ से गाड़ी निकल आए जी, रोड पे निकल आए जी हम। तो जी अभी हम आ गए हैं जी मून मार्केट, सोनू भी मेरे साथ, सोनू आपने शॉपिंग नहीं करनी, लेडीज शॉपिंग, मैं लेडीज शॉपिंग नहीं करता गाड़ी हमारी ये बेबी ये जो है ना हमारी माशाल्लाह से फोकस। तो ये मार्केट है जी पीछे मून मार्केट, पार्किंग में लगाई है गाड़ी हमने, वही पार्किंग वाला सोच रहा है कि हम गाड़ी से उतरेंगे और बाहर जाएंगे तो हम उसे टोकन लेंगे, लेकिन अभी तक हम गाड़ी से नीचे उतरे ही नहीं है, अब वो खुद ही हमारे पास आएगा कि भाई तुझे जाना नहीं, लेकिन वो जाहिर सी बात है पैसे तो वो लेगा कि वो कहेगा गाड़ी तो खराई है आपने, अभी तक आया तो नहीं है, वो मेरे मोबाइल का कवर खुद ही दिया हुआ आपने, वो उसमें ना क्या कहते हैं इसमें फ्लैश लाइट अगर ऑन करें ना तो फिर ये आगे से सारा ब्लर हो जाता है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये हमने डाला, ये देखा ये वाला सामने देखना, ये चेक करो ये वाली साइड राइट साइड फ्लैश की वजह से होता है, अब मैं इसको उतारूंगा कवर लेना, कवर यार वैसे मुझे यही अच्छा लगता था कि इसके पास प्लास्टिक की वजह से नहीं, देखें जैसे ही मैंने उतारा ये शीशा पीस हो गया। सोनू भाई अंदर बैठे हुए हैं और इंजॉय हो रहा है क्योंकि बाकी सब जो हैं वो गए हुए हैं अंदर, तो हम जो है यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं बस गाड़ी में बैठे। तो जी हम गाड़ी में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे गाड़ी के अंदर शीशे धुंधले होते जा रहे हैं, ये अपना ही मजा है, अपना मजा तो है ये शीशों में, ये आपने क्या किया मैंने बनाया यार, ये वैसे क्या चक्कर है ये सारे शीशे जो है, हालांकि अंदर का हीट हम हॉट है, हम हॉट होके बैठे हैं, खैर हम म्यूजिक प्ले करते हैं जी, हम घर आ गए, हम गाड़ी में खाने लगा हूँ सोनू जो है ना यहाँ पे अंदर लगवाने के लिए। तो जी बिरयानी का सामान हम लेकर आए थे, तो बिरयानी पक चुकी है और बिरयानी अब हम खाते हैं और बड़ा ही मजे की बिरयानी लग रही है, हम खाने लगे हैं इसको। तो इस वीडियो को करते हैं देरी खत्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।